आपकी जिज्ञासा थी कि जम्मू कश्मीर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का वैसे हर मामले में एक विशेष महत्व रहता है और जो संदेश जम्मू कश्मीर से जाता है, मैं मानता हूं वो संदेश बहुत दूर तक पहुंचता है। आज हमें खुशी है और मैं चाहूंगा कि अपने ही शब्दों में उमर अब्दुल्ला साहब इस अच्छी खबर को, शुभ खबर को आपके सामने रखें और बताएं कि उनके मन में क्या सपना है, इसको साकार हम लोग कैसे करेंगे। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमने और सब ने मिलकर जो अलायंस की टीम है उसमें मुकुल जी और सब लोग रहे, सब ने बड़ा प्रयास किया कि किसी ना किसी तरह से जल्द हम ये कर दें और आज वो कामयाबी के स्थान पर हम लोग पहुंचे हैं। खुशी का मौका है और खुशी के इस मौके पर मैं आप सबको उम्मीद करता हूं कि इसका अच्छा प्रचार प्रसार आप लोग करेंगे। मैं अब निवेदन करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो अपने विचार रखें और इसकी औपचारिक घोषणा करें। मैं सलमान खुर्शीद साहब का और पवन जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आज बड़ी खुशी से फॉर्मली मैं इस चीज़ का ऐलान करते जा रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं यहां पे हम मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फिलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है, उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हम मिलके हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनके जो इरादे हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकें। देखिए, पीडीपी हमारे अलायंस में है, सीट एडजस्टमेंट एक हिस्सा होता है अलायंस का और ओवरऑल अलायंस एक और हिस्सा होता है। अब आप जानते हैं कि बहुत छोटा सा प्रदेश है, छोटा प्रांत है, उसमें 3 सिटिंग एमएलए एमपी थे आपकी पार्टी के और इसलिए आपके कार्यकर्ताओं ने और वर्कर्स ने ये चाहा कि जो लोग जीत चुके हैं वहाँ पर इनका वर्चस्व बना रहे, उसको स्वीकार किया गया क्योंकि छोटी सी जगह पर गुंजाइश सीटों के बंटवारे की और कुछ नहीं दिखी। हमने सारे प्रयास किए, आपने भी बात करी, हमने भी बात करी, सारे प्रयास किए, लेकिन आज की जो स्थिति है वो मैं आपके सामने रखी है।